डील फाइनल थी, सबकी इच्छा भी थी, लेकिन अंत में उसी ने इनकार कर दिया जिनके लिए जतन किए जा रहे थे। बात चिराग पासवान की मां रीना पासवान की हो रही है। बिहार में 6 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में रीना पासवान का नाम फाइनल था। लोजपा की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए 1 सीट चिराग के खाते में देने को तैयार थी, लेकिन शर्त थी कि उम्मीदवार रीना पासवान ही होंगी। लेकिन रीना नहीं मानी, उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया। मनाने की कोशिश हुई, समर्थकों ने हर जतन किए, लेकिन रीना अपने फैसले को लेकर टस से मस नहीं हुई। कहा जा रहा है कि राजू तिवारी तो चिराग के घर पर धरने पर ही बैठ गए। करीब 6 घंटे तक उन्होंने वहां धरना देकर रीना पासवान को मनाने की कोशिश की, लेकिन रीना ने साफ कह दिया कि भेजना है तो उसे भेजो जिसने संकट के समय पार्टी का साथ दिया, जो चट्टान बनकर हर मुसीबत में खड़े रहे उन्हें भेजो जिन्होंने बुरे वक्त में भी चिराग को संभाल कर रखा। अंत में रीना पासवान के फैसले का सभी ने सम्मान किया और इस तरह लोजपा के खाते में राज्यसभा सीट जाते जाते रह गई। सूत्र बताते हैं कि ऑफर बीजेपी की तरफ से आया था, चिराग ने कोई डिमांड में नहीं की थी। हालांकि बीजेपी की इच्छा थी कि चिराग की मां ही राज्यसभा में जाए, जिसके बाद चिराग ने भी अपनी मां से बात की तो रीना ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्होंने तो पार्टी के लिए कुछ किया भी नहीं है, ऐसे में अगर वो राज्यसभा चली जाएंगी तो ये ज्यादती होगी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है और अब जब पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, पार्टी को सम्मान मिल रहा है, तो कैसे वो खुद के लिए पद मांगेंगी। लोजपा को राज्यसभा सीट ऑफर किए जाने की बात सामने आने के बाद उन आलोचकों को भी करारा जवाब मिला है जो लगातार ये कह रहे थे कि चिराग एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं, वो नाराज चल रहे हैं। अगर चिराग नाराज चलते तो उन्हें बीजेपी इतना भाव क्यों देती? अगर भाव देती भी तो चिराग अपनी माँ को मनाने की कोशिश क्यों करते? जानकार बताते हैं कि बीजेपी को चिराग की ताकत का अंदाजा है। चिराग ने बिहार में अपनी एक अलग तरह की इमेज का निर्माण किया है, जिसका लाभ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरे एनडीए को मिल सकता है। अगर चिराग की मां राज्यसभा चली जाती तो कार्यकर्ताओं में पॉजिटिव संदेश जाता। बीजेपी ये भी जानती है कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते भले ही नीतीश कुमार एनडीए में फिर से वापसी कर चुके हों, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगेगा तो वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसे में अगर चिराग अभी नाराज हो गए तो फिर एनडीए के हाथ में सत्ता फिर से आने से रही। ऐसे भी चिराग युवा है और नीतीश कुमार उम्र के ढलान पर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कुछ ही दिनों तक बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेंगे, वहीं चिराग लंबे समय तक बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति कर सकते हैं। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो दो ही नेता बचते हैं जिनका पूरे बिहार में असर माना जाता है, उनमें एक तेजस्वी यादव है तो दूसरा नाम चिराग पासवान का है, जो अपने दम पर हर विधानसभा में वोट लाने की क्षमता रखते हैं। बिहार में तमाम प्रयोग के बाद भी बीजेपी चिराग और तेजस्वी के कद का नेता नहीं बना सकी है। ऐसे में फिलहाल तो चिराग बीजेपी की जरूरत भी है और मजबूरी भी है। ऐसे में बीजेपी चिराग को खुश करने के लिए हर कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि चिराग को बिहार में 7 लोकसभा सीट देने का बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी चाहती थी कि चिराग 6 सीटों पर मान जाए, वहीं 1 सीट राज्यसभा में उन्हें दी जाएगी। हालांकि बात नहीं बनी, रीना ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि चिराग को बिहार में लोकसभा की 7 सीटें लड़ने के लिए मिलती है या नहीं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।